नमस्कार दोस्तों, भमतो एजुकेशन के इस चैरिटेबल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगस्त महीना में घटित होने वाली खेल घटनाक्रम को आज हम देखने जा रहे हैं और आज हम सबसे पहले खेल बैडमिंटन को लेते हैं। और यहाँ पे जो कप का आयोजन होता है वो है थॉमस कप और उबेर कप। दोस्तों, थॉमस कप का संबंध पुरुषों द्वारा खेले गए बैडमिंटन खेल से है, जबकि उबेर कप का संबंध महिलाओं द्वारा खेले गए बैडमिंटन से है। अगर हम इससे संबंधित मुख्य बातों को देखें तो 20 से 27 मई 2018 के मध्य पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप और महिलाओं की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता उबेर कप थाईलैंड की बैंकॉक में संपन्न होता है। और थॉमस कप से संबंधित अगर हम परिणामों को देखें तो यहाँ पे स्वर्ण पदक चीन के टीम के नाम होता है, जबकि रजत पदक जापान की टीम जीत लेता है। वहीं कांस्य पदक पर डेनमार्क एवं इंडोनेशिया की टीम विजय पाने में सक्षम हो पाता है। जबकि हम उबेर कप से संबंधित परिणामों की बात करें तो यहाँ पर स्वर्ण पदक जापान की टीम द्वारा जीत लिया जाता है, जबकि रजत पदक थाईलैंड की टीम जीतता है। वहीं कांस्य पदक पर दक्षिण कोरिया एवं चाइना जो है जीतने में सफल हो पाता है। तो दोस्तों, बैडमिंटन से संबंधित आपको याद ये रखना है कि थॉमस कप और उबेर कप ये बैडमिंटन से संबंधित है। इसमें भी अगर हम सेग्रीगेट करके देखें तो थॉमस कप जो है पुरुषों द्वारा जो बैडमिंटन खेल खेला जाता है उससे संबंधित है थॉमस कप, जबकि महिलाओं द्वारा जो बैडमिंटन खेल खेला जाता है उससे संबंधित है उबेर कप। तो इस जो आज का जो मेरा है अगस्त महीना का खेल घटनाक्रम, उसमें आप इस बात को यहाँ पे आज सीखिए। चलिए, अगला हम खेल लेते हैं निशानेबाजी का। दोस्तों, यहाँ पे म्यूनिख ग्रां प्री 2018 का आयोजन होता है और इसके बारे में हम मुख्य बात को देखें तो 31 मार्च से 2 अप्रैल 2018 के मध्य म्यूनिख जर्मनी में आयोजन किया जाता है म्यूनिख ग्रां प्री 2018 का। दोस्तों, यहाँ पे पुरुषों की 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जो है वो मैथ्यू इमोन्स के नाम जाता है। ये मैथ्यू इमोन्स अमेरिका से हैं, जबकि रजत पदक यहाँ पे चेन सिंह ये भारत के हैं और ये यहाँ पे जीत जाते हैं। हाँ, देखिए ये वाला आप याद रखिएगा, म्यूनिख ग्रां प्री इसीलिए याद रखिएगा क्योंकि भारत के जो हैं चेन सिंह वो यहाँ पे जीत लेते हैं। तो भारत से संबंधित जहाँ कहीं भी खेल घटनाक्रम हो और इंटरनेशनल लेवल पे हो तो आप निश्चित ही तौर पे उसको याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द रहता है। वहीं पे कांस्य पदक जो है वो ओलेह तसर को ये यूक्रेन से हैं, ये कांस्य पदक जीतने में सफल हो जाते हैं। वहीं हम महिलाओं की 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा की बात करें तो यहाँ पे स्वर्ण पदक भारत की तेजस्विनी सावंत जो हैं वो जीतती हैं। आप इसको तो ज़रूर याद रखिएगा, तेजस्विनी सावंत को, तेजस्विनी सावंत। जबकि रजत पदक अंजुम मौदगिल ये भी भारत की हैं और ये रजत पदक जीतने में सफल हो पाती है। जबकि यहाँ पर कांस्य पदक ऑस्ट्रिया की ओलिविया हॉफमैन जो है कांस्य पदक जीत लेती है। तो ये था म्यूनिख ग्रां प्री 2018 जो कि जर्मनी में संपन्न हुआ था। इससे संबंधित मुख्य फैक्ट जो हैं वो आपके सामने है। चलिए आगे हम खेल लेते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पॉपुलर, अर्थात क्रिकेट का। दोस्तों, यहाँ पे जो कुछ मुख्य घटनाक्रम हुआ है क्रिकेट से संबंधित वो है आईसीसी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा क्या किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 4 नई टीमों यथा अर्थात नेपाल, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड और संयुक्त अरब अमीरात को एक दिवसीय रैंकिंग में शामिल करने का निर्णय लिया है।
1 जून 2018 के बाद जारी होने वाली एक दिवसीय रैंकिंग में इन देशों की टीमों को भी स्थान दिया जाएगा। इससे पूर्व क्या होता था कि आईसीसी की जो शीर्ष 12 टीम होती थी उन्हीं को एक दिवसीय रैंकिंग में शामिल किया जाता था। इस प्रकार से देखें तो वर्तमान में एक दिवसीय रैंकिंग में इंग्लैंड पहले स्थान पर जबकि भारत का दूसरा स्थान है। ये वनडे क्रिकेट में है, वो वनडे एक दिवसीय जो क्रिकेट श्रृंखला खेला जाता है उसमें इंग्लैंड पहले नंबर पे है। चलिए अगर हम टेस्ट मैच की बात करें तो यहाँ पे पहला नंबर पे भारत आ जाता है और दूसरा स्थान पे दक्षिण अफ्रीका का रहता है। जबकि T20 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान पहले नंबर पे आ जाता है ICC की रैंकिंग जो होती है उसमें, और दूसरे नंबर पे भारत रहता है। तो कुल मिला के हम क्या देखते हैं कि भारत की स्थिति अभी वो कह सकते हैं क्रिकेट दुनिया का सबसे अच्छा दौर से ये गुजर रहा है, क्योंकि रैंकिंग में वो टेस्ट भी हो तो टेस्ट में ये प्रथम नंबर पे है और वनडे हो तो वनडे में ये दूसरा नंबर पे है और T20 हो यहाँ पे भी वो दूसरा नंबर पे है। तो कह सकते हैं एक बहुत ही अच्छा इरा चल रहा है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। चलिए क्रिकेट से संबंधित ही महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट 2018 से संबंधित कुछ मुख्य बात को हम देख लें। दोस्तों महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट के 7वें संस्करण का आयोजन 1 से 11 जून 2018 के मध्य मलेशिया के कुआलालंपुर में खेला गया और इस प्रतियोगिता के फाइनल मैच में बांग्लादेश ने भारत को 3 विकेट से हराकर खिताब जो है वो जीत लिया। इस प्रकार यह बांग्लादेश की पहली खिताबी जीत है जिसके कप्तान जो है वो है सलमा खातून। वहीं भारतीय टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर द्वारा यहां पे किया जाता है। दोस्तों इसमें अगर हम भाग लेने वाले टीम की बात करें तो कुल जो है 6 टीम था, वो है बांग्लादेश, भारत, मलेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। इससे संबंधित मुख्य बात ये है कि एक और प्रतियोगिता के 7 जून 2018 को श्रीलंका के विरुद्ध खेले गए मैच में मिताली राज भारतीय टीम की इससे पूर्व कैप्टन भी रही हैं, वो मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 2000 रन पूरे किए। इस प्रकार वे अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 2000 रन बनाने वालों की कलम में वो शामिल होने वाली पहली भारतीय जो महिला क्रिकेटर हैं वो बन गई है। तो कह सकते हैं मिताली राज और ख़ास करके भारत के लिए बहुत ही गर्व का बात है। तो अगस्त महीना से जो खेल घटनाक्रम था वो बस इतना ही है और बस इसको आप लोग अच्छा से कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए खेल घटनाक्रम अर्थात अगस्त के बाद सितंबर वाले वो खेल घटनाक्रम के साथ। आज के लिए बस इतना ही।